आज हमारे साथ मौजूद है मार्केट एनालिस्ट ऑफ जफर सिक्योरिटीज मिस्टर नैन। आइए आज इनसे जानते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो इंक्रीज हो रही हैं उसका हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका। हालिया दिनों में क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत इंतहा इजाफा देखा गया है, बेतहाशा इजाफा, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इफ़ेक्ट जो हमारी इकानमी पे होगा या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होगा, वो दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। कोई भी जब डेवलपमेंट होती है, एक तो उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव होगा। अगर हम नेगेटिव इफ़ेक्ट की पहले बात करें तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट इन्फ्लेशन लेके आएगा पाकिस्तान में, महंगाई को बढ़ाएगा और उसके साथ साथ रुपए की कीमत भी कमज़ोर हो सकती है डॉलर के मुकाबले में। दूसरी तरफ उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है पाकिस्तान स्टॉक चेन के हवाले से, हमारा जो लिस्टेड सेक्टर है पेट्रोलियम सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टेशन सेक्टर, उस पर काफ़ी इफेक्ट इसका पॉजिटिव देखा जा सकता है। हालिया दिनों में इजाफा काफ़ी तेज़ी से हुआ क्रूड प्राइसेस में और इस वक्त आज का जो रेट है वो लगभग $114 को भी अबूर कर गया है, और ये इजाफा 2011 मार्च के बाद लगभग 11 सालों के बाद एक बुलंदतरीन सतह देखी गई है क्रूड प्राइसेस में। तो इसका इफ़ेक्ट अगर हम अर्निंग पर शेयर में बात करें तो दो बड़ी जो कंपनीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान पेट्रोलियम, रिसीवेबल हैं गवर्नमेंट की जानब से, उनको लगभग 417 और 319 रुपये बिलतरतीब दोनों कंपनीज के। अर्निंग्स के हिसाब से पिछला क्वार्टर की जो अर्निंग है, लेटेस्ट अर्निंग, वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹8.20 था और पाकिस्तान पेट्रोलियम का लगभग ₹5.41 का। एवरेज अगर हम लें पिछले क्वार्टर की तो $80 या $78 की सतह थी, और इस क्वार्टर में जो कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर है, डेफिनेटली $100 से प्लस ट्रेड हो रही हैं क्रूड प्राइसेस, तो इसका इफ़ेक्ट मज़ीद अर्निंग्स को बेहतर कर सकता है। और ये इफ़ेक्ट अगर आप नई सरमाकारी की बात करें दोनों स्टॉक्स में तो काफ़ी ज़्यादा रूम मौजूद है। दूसरी तरफ जो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो पूरी इकानमी पर काफ़ी मनफी असरात लिया है, और उसके साथ साथ ग्लोबली भी इसका इफ़ेक्ट काफ़ी मनफी कंसीडर किया जा सकता है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम फोरकास्ट करें कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में क्या ट्रेंड रहेगा इन नियर फ्यूचर में, तो हमारी जो तवक्कुआत हैं वो $124-125 की हैं हाई का नियर फ्यूचर में। तो डेफिनेटली मज़ीद उस पर अनसर्टेनिटी होगी, इन्फ्लेशन को फ्यूल करेगा, और जैसे कि आप जानते हैं 40 साल की बुलंद तीन सतह है इस वक्त अमेरिकन को इन्फ्लेशन को लिया जाए तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बात हो रही है। मज़ीद अगर एप्रिसिएशन रहती है तो उसका इफेक्ट एक रिसेशन की सूरत में भी निकल सकता है जो कि ग्लोबल इफेक्ट होगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।